हम जानेंगे एसबीआई शेयर को लेकर हमारे बाजार के स्पॉट से। ईएसजी लोन और बॉन्ड जारी करने का पर फोकस बढ़ने वाला है, एक एक्सक्लूसिव खबर है और अंकुर हम तक ये लेकर आए। एक बार आइए चलिए, उनके मुताबिक बैंक ने ईएसजी फ्रेमवर्क क्या तैयार किए हैं, कुछ डिटेल्स और समझ लेते हैं अंकुर से। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ईएसजी फ्रेमवर्क तैयार किया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फ्रेमवर्क पिछले महीने ही तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी तक बैंक ईएसजी के लोन्स की तरफ नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एक कोई फॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी और अब जो ये मसौदा तैयार हो गया है उसके बाद अब जितनी भी लोन इश्योरेंसेस होंगे या फिर बॉन्ड इश्योरेंस होंगे वो इसी फ्रेमवर्क के तहत होंगे। इस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रीन कार लोन्स दिए जाएंगे इस फ्रेमवर्क के तहत, और इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो करंट 7 साल से बढ़ाकर 8 साल तक किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो बोरोवर्स होंगे उनको करीब 20 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट भी मिलेगा ग्रीन कार लोन्स लेने पर। अगर हम बाकी लोन्स की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स और साथ ही साथ एजुकेशन लोन्स भी इस फ्रेमवर्क में मैप कर दिया जाएगा, जिसकी अभी करंट लोन बुक की बात करें तो वो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन्स भी बैंक देगा, ऐसा ये फ्रेमवर्क में तय किया गया है। और इसको जाहिर सी बात है, इसको चेक करने के लिए एक नए मॉडल पर भी काम करना पड़ेगा, तो उस मॉडल को नाम दिया गया है ESG रिस्क रेटिंग मॉडल, जिसके तहत ESG की रिस्क हैं जो कॉरपोरेट बोरोवर्स की, उसको असेस किया जाएगा। और न सिर्फ लोन्स बल्कि बॉन्ड इश्योरेंस भी होंगे। अगर हम कुल रकम की बात करें तो हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस कैलेंडर ईयर में 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक ग्रीन बॉन्ड इश्योरेंस हो सकता है ESG फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, ऑल राइट, शुक्रिया अंकुर, ये खबर और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें